सिहो मार संतो क्यों प्रभु मिला ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਾਣੀਏ। Oh, no.
रब ने इस धरती उपर इंसान ले जिथे अन्न भंडार का इंतजाम किया है उत्थे ही इंसान की रहनुमाई का बंदोबस्त भी करता चला आ रहा है ताकि इंसान अपनी हकीकत नाल जुड़ सके। इस हकीकत की रहनुमाई ले रब ने वख वख अदवार विच वख वख थावां उपर अपने बरगजीदा शख्सियात नूं धरती उपर भेजिया जिथे इन्हां शख्सियतां दी सोच उच्ची सी उत्थे ही इन्हां उपर कुदरत भी मेहरबान नज़र आउंदी है। गुरु नानक दी शख्सियत ने जिथे बचपन तो ही लोकां नूं मुतासर करना शुरू कीता उत्थे ही ना समझ लोकां ने गुरु जी बारे बहुत सारे सवाल खड़े कर दिते। ऐ सब कुछ वेखदिया होया गुरु जी दे पिता जी ने आप जी नूं खेतीबाड़ी अते मवेशी चराण वाले पासे मसरूफ कर दिता। गुरु जी अक्सर इस जगह उपर आके हरियाली अते कुदरत दा नज़ारा वेख के कुदरत दे रंगा विच लीन हो जांदे। आल दवाल दे लोग जद गुरु जी नूं इस हालत विच वेखदे तां ओह हैरान हो जांदे। इन्हां गल्लां तों इस पिंड दे हाकम राय बुलार खूब वाकफ सन। इतिहासकार लिखते ने कि एक दिन जब गुरु जी इस दरख्त के थले मालक की उस्तित विच जुड़ गए तो इस दरख्त का परछावां बदलण के नाल ही गुरु जी के चेहरे मुबारक उपर धुप आ गई। तो एक फनीयर सप ने आ के गुरु जी के चेहरे मुबारक से छां की। कोलों लंघदियां यह सारा नज़ारा पिंड के हाकम राय बुलार जी ने खुद वेख्या ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੱਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੀਬ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ। राय बुलार जी नूं हुण पता चल चुकिया सी कि गुरु नानक कोई आम बाल नहीं है। वह दरख्त जिथे बाबा जी ने आराम फरमाया अते ओ फसलां जिथे बाबा जी मवेशी चराउंदे सन इस जगह ते मौजूद है। इन्हां गल्लां दी याद विच ही यह अस्थान गुरद्वारा मालजी साहब दे नाम नाल जाणिया जांदा है। जदों सिख यात्री ननकाणा साहब की पावन धरती ते आउंदे हन तां गुरद्वारा श्री मालजी साहब विच मत्था टेकण नूं फखर महसूस करदे ने।